चिंतता रुकन संगत एक खूबसूरत न गेवे किनारे चिंत नाम कठोर छूट ही चुए रहते वह अब खेतुए बेटा एक दिन तनो तैच के नैच के नदी की जलफरी बेहतरीन संगीत गाते हैं। चिंतता ने जलफरी को गाते सुना और रजियाज भेज भाग गए। वह सोचने लगी, मैं भी इतना खूबसूरत संगीत क्यों नहीं गा सकती। चिंतता ने संगीत सीखने का निश्चय किया। चिंतता ने कई दिनों तक अभ्यास किया पर वह जलपरी जैसा नहीं गा पाई। ईर्ष्या की भावना से वह उदास हो गई। एक दिन एक बूढ़ा मेंढक मिला जिसने चिंतता की उदासी भांप ली। क्या हुआ चिंतता, मेंढक ने पूछा। चिंतता ने अपनी ईर्ष्या के बारे में बताया। मेंढक ने कहा, समय को खास होता है, तुम्हें अपना किस्त तोड़नी होगी। चिंतता अपनी खासियत ढूंढने लगी। उसने पाया कि वह बहुत अच्छा दौड़ सकती है और कुशलता से भोजन जुटा सकती है। चिंता ने नदी चीचे जैसे वो कबो ऐसी खासी से पेम लगी जिसे अब ने हाग पहचान हो गया पर फ्राइड ही कॉक। चिंतता और जलसम निम्त्रवंग चिंतता से सीखा कि दूसरों की खूबियों से ईर्ष्या करने के बजाय खुद पहचान महत्वपूर्ण है। अभी डाउनलोड करें और हर दिन नई कहानियां खोजें।